साथ सबसे पहले बात करते हैं सलमान खान और उनके परिवार की, जो वैसे तो हमेशा ही चर्चा में रहते हैं, लेकिन आज जो वजह है उससे उनके फैंस की चिंता बढ़ गई है। दरअसल मुंबई में सलमान खान के बाद अब उनके पिता को धमकी दी गई, और ये धमकी दी बुरके में आई एक महिला ने। पहले सलमान को धमकी, फिर घर के बाहर गोली, और लॉरेंस के निशाने पर सलीम खान। लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान के किस तरह पीछे पड़ा है ये अब किसी से छिपा नहीं। कभी सलमान पर गोली चलवाई जाती है, कभी धमकी भरी चिट्ठी लिखी जाती है, और अब सलमान के पिता को भी धमकी दी गई है। सलमान खान के पिता सलीम खान को मुंबई में धमकी दी गई। पूरा मामला 18 सितंबर का है, जब सलमान खान के पिता सलीम खान मॉर्निंग वॉक करने गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर गए हुए थे। इस दौरान दो स्कूटी सवार सलीम खान के पास पहुंचे और उन्हें धमकी देकर फरार हो गए। धमकी में उन्होंने सलीम खान से कहा, सही से रहो वरना लॉरेंस को भेजूं क्या। धमकी के बाद सलीम खान ने इसके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, और पुलिस ने FIR दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। इससे पहले सलमान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट में 14 अप्रैल की सुबह फायरिंग हुई थी। फायरिंग करने वाले अपराधी बाइक पर आए थे, उन्होंने सलमान के घर के बाहर कुछ राउंड फायरिंग की और फिर वहां से भाग गए। दो दिन बाद मुंबई पुलिस ने इन अपराधियों को गुजरात से पकड़ा था। मामले में पुलिस ने अब तक लॉरेंस समेत 9 लोगों को आरोपी बनाया है, इनमें से अब तक 6 की गिरफ्तारी हो चुकी है। सलमान ने इससे पहले बयान में साफ साफ कहा था कि उनके परिवार के बाकी लोगों पर खतरा है, और ये खतरा बना हुआ है, और अब सलीम खान को मिली ये धमकी उनके इसी डर के सच होने जैसी लग रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, Zee मीडिया। Zee न्यूज़।